नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का स्पेशल सेक्शन पड़ताल। प्रधानमंत्री मोदी का स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला पूरा इवेंट सुपरहिट रहा था। वैसे मोदी किसी इवेंट का हिस्सा बने और वो इवेंट सबसे ज्यादा टीआरपी न बटोर के ले जाए, ऐसा तो किसी भी न्यूज चैनल ने पिछले 4-5 सालों में नहीं देखा है। इस पूरे इवेंट को भी कई दिन हो जाने के बावजूद ये सुर्खियों में लगातार बना हुआ है, ज्यादातर अच्छे कारणों से और कुछ विवादों के चलते भी। कल ही इंग्लैंड के साथ इस स्टैचू के कनेक्शन की बातें चल रही थी। खैर, अब इस इवेंट के साथ एक और विवाद वायरल होता हुआ लग रहा है। मोदी पर आरोप लग रहा है कि वो इवेंट की एक वीडियो में किसी विकलांग बुजुर्ग का अपमान करते हुए दिख रहे हैं। आइए पहले वो वीडियो देख लें। 42 महीनों के समयबद्ध तरीके से इसे पूरा किया, इसके डिजाइन में किस तरह की बातों का ध्यान रखा गया, कैसे एक एक भाव को पिरोया गया, विजिटर्स इस म्यूजियम में आकर जान सकते हैं। ये वीडियो कई जगहों से कई बार शेयर हो चुका है, ट्विटर और फेसबुक दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर। ये देखिए, इसकी वायरलता का आलम यह है कि केवल एक जगह से 2700 से ज्यादा रीट्वीट हो चुके हैं, 6000 से ज्यादा लाइक्स। तो क्या ये सच है कि वाकई प्रधानमंत्री मोदी विकलांग बुजुर्ग का अपमान कर रहे हैं? अब देखिए, किसी का अपमान हुआ है या नहीं ये केवल वो व्यक्ति बता सकता है जो अपमान का कथित पीड़ित है, लेकिन फिर भी कई कारण हैं जिससे ये साफ पता चल जाता है कि मोदी का उद्देश्य विकलांग बुजुर्ग को इग्नोर करना या उनका अपमान करना कतई नहीं था। पहली बात, जिस बुजुर्ग के अपमान की बात यहाँ पर की जा रही है वो कोई अनजान शख्स नहीं है, वो गुजरात के राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली हैं। और ये रही मोदी की उन बुजुर्ग के साथ 2014 की एक ऐसी फोटो जो दोनों के बीच के अच्छे रिश्ते को अच्छे से शो करती है। दूसरी बात ये कि कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि ऐसी कई फोटो तो मोदी और आडवाणी जी की भी हैं, और बात भी सही है क्योंकि हमने अभी जो फोटो दिखाई थी वो ओम प्रकाश वाली वो कोई आज की तो है नहीं। तो हमारे पास एक दूसरा तथ्य है, वो है ये वीडियो जिसे मोदी समर्थक इस कैप्शन के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं कि मोदी उन ओम प्रकाश का अपमान कैसे कर सकते हैं जिनके ना बैठने तक वो खुद नहीं बैठ रहे हैं। माननीय राज्यपाल श्री ओपी कोहली जी को स्मृति चिन्ह अर्पण करेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल। यूं वीडियो देखने के बाद ये बात पूरी तरह कन्विंसिंग लगती है कि मोदी ओम प्रकाश का अपमान नहीं कर सकते। अब तीसरी बात, इस पड़ताल के दौरान हमें इस बात को भी समझना होगा कि वीडियो में अपमान किस बात को कहा जा रहा है। गौर से देखने पर हमें उत्तर मिलता है कि ओम प्रकाश के आते ही मोदी का वहां से चल पड़ना ही ओम प्रकाश के अपमान की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मोदी के ऐसे व्यवहार का कारण राज्यपाल को इग्नोर करना नहीं बल्कि कुछ और रहा हो, और दरअसल ऐसा ही है। दूरदर्शन ने इस 2 घंटे के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया था, वो पूरी 2 घंटे की वीडियो अब YouTube में भी उपलब्ध है, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 घंटे 19 मिनट से शुरू कीजिए और 5 मिनट तक यानी 1 घंटे 24 मिनट तक देखिए। आप देख सकते हैं कि कैसे मोदी पहले बैठकर फोटो खिंचवा रहे हैं, फिर खड़े होकर, और जिस जिस स्थान पर फोटो सेशन खत्म हुआ वो अगले स्थान पर फोटो खिंचवाने के लिए चल दे रहे हैं, बिना ये देखे कि कोई उनके साथ चल रहा है या नहीं। एकला चलो रे, हमारे प्रधानमंत्री को अपने फोटो सेशन से फुर्सत मिले तब ना जाकर वो किसी को इग्नोर या किसी का अपमान करें। इन 5 मिनटों में दिख जाता है कि मोदी तो दरअसल अपनी फोटोज खिंचवाने में इतने निर्लिप्त भाव से मशगूल हैं कि उन्हें किसी की इज्जत बेइज्जती की पड़ी ही कहां है। तो यूं इस पड़ताल का ये निष्कर्ष निकलता है कि मोदी का विकलांग बुजुर्ग के आते ही पतली गली से निकल जाना, किसी का अपमान करना कम, और मोदी का फोटो सेशन को लेकर ऑब्सेशन ज्यादा। लेकिन फिर भी ये गुजरात के राज्यपाल ही डिसाइड कर सकते हैं कि उनका अपमान हुआ या नहीं। अगर आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी वायरल मैसेज या खबर की सत्यता पर शक है तो आप वो मैसेज
पोस्ट या ट्वीट हमें padtalmail@gmail.com padtalmail@gmail.com पर भेजें। हम उसका टेस्ट करके उसकी सच्चाई पता लगाएंगे। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे FB पेज को लाइक करें। साथ ही Android स्मार्टफोन यूजर दी लल्लन टॉप का ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और खबरों और जानकारियों का खजाना लूट सकते हैं। थैंक यू।